हाय संजय। स्क्रीन दिखे तो बताना। हाँ ओके, सो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू फाइंड टॉप एन एंड बॉटम एन, कि जिसमें हम देख पा रहे थे कि अगर मुझे स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, आई मीन स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर मुझे देखना है कि टॉप फाइव, सपोज स्टेट्स में एग्जांपल ले रहा हूँ, तो टॉप फाइव स्टेट्स कौन सी हैं, बॉटम फाइव स्टेट्स कौन सी हैं। सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस थिंग ऑन एनी एग्जांपल, ठीक है? सो इफ आई जस्ट रिपीट इट, टॉप एन कैसे निकाला था हमने लास्ट सेशन में? सो वी क्रिएटेड अ पैरामीटर यहाँ पर बाय गोइंग इन टू दिस ड्रॉप डाउन एंड क्रिएट पैरामीटर। सो वी क्रिएटेड अ पैरामीटर टॉप एन। इफ आई जस्ट एडिट दिस, वी कैन सी कि हमने बात की थी टॉप एन, यहाँ पे मैंने नाम दिया था, देन करंट वैल्यू वॉज, हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, बट आई स्टार्टेड अ रेंज कि इसी रेंज के बीच में हम टॉप वैल्यूज देख पाएंगे बिटवीन 1 to 20, एंड क्लिक ओके। सो ये मेरा पैरामीटर क्रिएट हो गया था, एंड देन आई वेंट टू दिस ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन शो पैरामीटर कंट्रोल। सो इससे मेरा ये फीचर यहाँ पे ओपन हो गया। सो यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू एंटर करूंगा, सपोज आई एम एंटरिंग 5, सो मेरा ये बार चार्ट अपडेट हो रहा है। So, मेरे को टॉप 5 स्टेट्स निकल के आ रही हैं बाय सेल्स, बट ये कैसे निकल के आ रही हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। हमने इसके लिए एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाई थी बाय गोइंग इनटू दिस ड्रॉप डाउन एंड क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, एंड देन टॉप एन जो हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई थी वो कैसे बनाई? इंडेक्स। इंडेक्स इज अ फंक्शन विच बेसिकली टेल्स द पोजिशन ऑफ ईच रो, ठीक है? ईच वैल्यू की पोजिशन बताता है वो, एंड वी आर सेइंग कि जहां पर भी उसकी पोजिशन लेस देन होगी टॉप एन के, यहाँ पर क्या पोजीशन अब एंटर करी हमने 5, सो जो भी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 5 होगी उस वो सारी वैल्यूज हमें पॉपुलेट कर दो। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं 8, 9 या एनी वैल्यू अप टू 20, वो सारी वैल्यूज हमें पॉपुलेट होंगी हमारे बार चार्ट में। सो ओके, एंड नाउ इफ आई एम एंटरिंग 10 हियर, सो वी कैन सी कि अब मेरे पास टॉप 10 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड डायनामिक टॉप एन वैल्यूज इन टैबलू, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट इज देयर, ठीक है? आज हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स की जो जिसके थ्रू हम टॉप एन वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो आज के लिए टॉपिक्स हमारे लिए रहेंगे टॉप एन, ये मेथड 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में। टुडे वी आर गोइंग टू सी कि यस यू आर इन पढ़ो कल कौन सा पढ़े। यस 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 ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेकंड मेथड व्हिच इज यूजिंग फिल्टर्स, एंड थर्ड मेथड यूजिंग रैंक फंक्शन। सो फिल्टर्स के साथ हम कैसे टॉप एन निकाल सकते हैं, वी हैव टू, लेट्स क्रिएट वन मोर शीट। सो सपोज आई हैव अ सपोज कैटेगरी, सब कैटेगरी आई एम पुटिंग इट ऑन रोज, सो मेरे पास सारी सब कैटेगरीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, देन आई कैन एक्सपैंड दिस वैल्यूज। ओके, सो नाउ वी हैव सब कैटेगरी, सारी सब कैटेगरीज लिस्टेड है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि बाय सेल्स, लेट मी पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन टेक्स्ट, और मे बी वी कैन पुट इट ऑन कॉलम सो दैट बार चार्ट हमारा क्रिएट हो जाए। सो नाउ वी हैव हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ठीक है? एंड नाउ वी कैन पिक सेल्स ऑन कलर एज वेल, देन चेंज द कलर्स, मेक इट ऑरेंज गोल्ड। ओके, सो मेरे पास कलरिंग होगी एंड वी आर एबल टू सी द सब कैटेगरीज बाय सेल्स और सेल्स बाय सब कैटेगरी। सो नाउ वी आर अगेन डूइंग द टॉप एन की मेरे पास टॉप 5 या टॉप 10 सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स हो रही हैं, ठीक है? सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू सब कैटेगरी एंड प्लेस इट ऑन फिल्टर्स। जैसे हम फिल्टर डालेंगे तो हमारे पास ये कुछ पॉपअप आता है वेयर वी कैन जस्ट अप्लाई द फिल्टर ऑन ऑल द कैटेगरीज, या फिर यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है राइट में टॉप, गो टू दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन बाय फील्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको टॉप कौन कितना टॉप निकालना है, मतलब टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15। सो वी आर सेइंग कि वी वांट टू फाइंड टॉप 8, ठीक है? आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। सो आई एम फाइंडिंग टॉप 8। अब किसकी फील्ड के हिसाब से निकालना है दैट यू हैव टू सिलेक्ट, सेल्स के हिसाब से निकालना है या मे बी डिस्काउंट के हिसाब से। ये जनरली हम इसमें हमेशा मेजर लेते हैं, सो जस्ट यूज ऑल द मेजर्स दैट यू हैव। सो इस केस में मैं बाय सेल्स ले रहा हूँ एंड वी वॉन्ट टू सी दिस सम ऑफ सेल्स, इधर एवरेज मीडियन दैट यू कैन सिलेक्ट, बट राइट नाउ लेट्स सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स। उसके हिसाब से हमने देखना है कि टॉप 5 या टॉप 8 मेरी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सो लेट्स अप्लाई एंड इसमें मल्टीपल कैटेगरी ले सकते हैं क्या? मल्टीपल कैटेगरीज मतलब कि जैसे मैंने सेल्स किया अभी,
उसके साथ में और कुछ भी ले सकते हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला ऐड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, टॉप एन बाय यहाँ पे टॉप और बॉटम लिख सकते हो, देन बाय सेल्स एंड यू कैन ऐड देन मे बी डिस्काउंट। सो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल वर्क। और मे बी गिव इट लाइक दिस, एंटर डिस्काउंट। सो किसी तरह यहाँ पे काम करेगा, बट वी आर नॉट यूजिंग फॉर्मूला राइट नाउ बिकॉज इससे बेटर है कि हम पैरामीटर और उसके कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू बना लें, दैट इज मोर ईजियर। और ये डायनामिक नहीं होता बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक वैल्यू दे रहे हैं कि टॉप 10 ही निकालो या टॉप 8 ही निकालो हमेशा। बट जो हमने लास्ट सेशन में देखा था वो दैट वॉज कम्प्लीट डायनामिक, कि आप 8 डालोगे तो 8 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 10 डालोगे तो 10 दिखाएगा। अभी उसमें हम क्या हो रहा है कि स्टैटिक वैल्यू हम दे रहे हैं 8, तो ये चेंज करना मुश्किल है। दैट्स वाई आई वुड नॉट प्रेफर टू यूज टॉप बाय दिस ऑप्शन। सो फिलहाल हम ओके करते हैं। सो नाउ वी कैन सी कि हमारे पास टॉप वैल्यूज मतलब 8 वैल्यूज तो आ गई, यू कैन सी फ्रॉम एसएसवी टेबल्स दीज आर जस्ट 8 वैल्यूज, बट ये सॉर्टेड नहीं है। सो टू सॉर्ट दीज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन विच इज डिसेंडिंग। सो अब मेरे पास क्या हुआ कि हाईएस्ट टू लोएस्ट मेरे पास टॉप 8 वैल्यूज आ गई, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स मेरे पास दिख रही हैं। सो फोन्स में सबसे ज्यादा सेल्स हैं विच इज 3.3 मिलियन, देन चेयर्स में अगेन 0.32, लिटल लेसर देन फोन्स। सो दिस इज हाउ वी कैन सी टॉप 10 बाय दिस मेथड। अगेन गो टू दिस फिल्टर, यू कैन नाउ सी टॉप 10 टॉप 5 इंस्टेड ऑफ 8 एंड क्लिक ओके। सो इसमें मेरे पास क्या डाउनसाइड है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि आई शुड लाइक चेंज द टॉप वैल्यू। बट मेरे पास अगर मैंने लास्ट सेशन की बात करूं, यहां पर मेरे पास ऑप्शन था कि आई कैन एंटर इधर 5 इधर 3, जो भी मुझे एंटर करना है, ठीक है। दिस वॉज डायनेमिक, सो आई वुड प्रेफर टू यूज दिस ऑप्शन रादर देन द फिल्टर ऑप्शन। बट ये इट्स वेरी क्विक टू यूज। सो अगर मुझे पता है कि सिर्फ मैंने 5 ही वैल्यू दिखानी है, आई डोंट वॉन्ट टू मेक डायनेमिक, देन आई विल ओनली यूज दिस ऑप्शन। ओके, दिस वॉज द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन टॉप एन। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इसको असेंडिंग सॉर्ट कर दूं, तो ये क्या करेगा, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा कि मेरे टॉप एन एंड टॉप एन एंड बॉटम एन कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अगर मुझे बॉटम देखना है, आई कैन अगेन गो टू दिस फिल्टर, देन इसकी जगह मैं टॉप की जगह बॉटम लूंगा एंड क्लिक ओके। अब यहां पर मेरे पास बॉटम दिखा रहा है एंड आई कैन सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ताकि सबसे पहले मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू आए। सो फास्टनर्स एक ऐसा सब कैटेगरी है जहां पर मेरे पास सबसे ज्यादा कम सेल्स हो रही है। सो अगर मैं यहाँ पे देखो होवर कर रहा हूँ नीचे जाके, सो दिस इज दी फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, जिसमें सेल्स सप्लाईज में अराउंड 46K हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डू टॉप एन एंड बॉटम एन बाय जस्ट प्लेइंग इट विद द फिल्टर्स। सो लेट मी चेंज इट टू टॉप एंड कीप इट 5 एंड मेक इट डिसेंडिंग, सो दैट टॉप वैल्यू मेरी सबसे ऊपर आए, एंड दैट इज डन। सो दिस वॉज द सेकेंड ऑप्शन टू शो द टॉप एन वैल्यूज। देन आई कैन एड वन मोर शीट, I can duplicate it, right click, duplicate, and I can change it to third option, and third option of top n. So what I'm going to do, remove this filter. So ab mere paas sari values listed ho gayi hain puri sub categories ki, ab yahan pe kuch filter nahi laga hua. Now the third option is, let me remove it, this card. The third option is, hamare paas ek parameter create kara tha humne top n. I'm going to show it again. यहाँ पर क्या था कि we have different values. So range थी हमारे पास 1 to 20, जहाँ पर मैं values change कर रहा था कि अब मेरे पास 5 top values दिखनी चाहिए, अब 10 दिखनी चाहिए. So this is the parameter that we are using. So I'm going to click OK and let's click on show parameter control. So मेरे पास ये parameter आ गया कि यहाँ से मैं इसको change कर सकता हूँ values को, ताकि मेरी ये bar chart update हो जाए. Likewise we did in the previous session. Now the third option is, previous session में हमने function use किया था which was index. Now in this case we are going to use rank function. Rank function क्या करता है कि हर एक जो भी हम rank में value specify करेंगे, suppose मुझे rank देखनी है by sales, कि sales के हिसाब से कौन कौन सी category किस rank पे आती है, ठीक है, that I want to check. So rank के हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ, let's create a calculated field. Going to this drop down, create calculated field, rank by sales. I'm going to give this name. Then just write rank.
सो दिस इज द फंक्शन, प्रेस टैब, सो अपने अभी ब्रैकेट्स ले लेगा. देन वी हैव टू राइट एन एक्सप्रेशन. सो व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन इन दिस केस? मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे सेल्स के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू दिखे कि कौन सी टॉप एंड कौन सी बॉटम है, उसके हिसाब से रैंक आ जाए मेरी. सो आई एम गोइंग टू राइट सेल्स देन कॉमा देन सेकेंड पैरामीटर इज, दिस इज ऑप्शनल, असेंडिंग या डिसेंडिंग. आपको असेंडिंग रैंक दिखानी है या डिसेंडिंग दिखानी है, ठीक है? सो ये क्या करेगा, सबसे छोटी रैंक को अगर मैं असेंडिंग लिखूं तो सबसे छोटी रैंक को, सबसे छोटी वैल्यू को ये सबसे हाईएस्ट रैंक दे देगा, एंड डिसेंडिंग में ये सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे हाईएस्ट रैंक देगा. सो बाय डिफॉल्ट जो इसका पैरामीटर होता है ये डिसेंडिंग होता है, बट दिस इज अगेन ऑप्शनल, सो लेट्स रिमूव दिस. बट यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे एरर आ रहा है, दिस कैलकुलेशन कंटेन्स एरर्स, बिकॉज यहाँ पर मुझे सम ऑफ सेल्स की जगह सम ऑफ सेल्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज मैं हर एक सब कैटेगरी की सम ऑफ सेल्स देखना चाहता हूँ. ये नहीं कि हर एक कैटेगरी की मे बी 100 रोज हो सकती हैं एक सब कैटेगरी में, सो उसका सम चाहिए मुझे, उसके हिसाब से मैंने देखना है कि रैंक क्या हो. नाउ दिस कैलकुलेशन इज वैलिड, एंड यहाँ पे एज आई टोल्ड कि सेकेंड पैरामीटर इज ऑप्शनल, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एज ऑफ नाउ, बट बाय डिफॉल्ट जो सेकेंड पैरामीटर है इसकी वैल्यू होती है डिसेंडिंग, विच इज डेस्क. लेट्स क्लिक ऑन ओके. सो मेरे यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होगी रैंक बाय सेल्स. नाउ रैंक बाय सेल्स को आई कैन पिक इट एंड गो टू फिल्टर्स, प्लेस इट ऑन फिल्टर्स, ओके नॉट फिल्टर्स, आई डिड रॉन्ग. सो रैंक बाय सेल्स को पिक करके लेट्स पुट ऑन द कॉलम्स एंड चेंज इट टू टेक्स्ट. Wait. And make it discrete. Okay. So there is some problem. Now it is fine. So I have to place it on rows because I made it discrete and I want to see side by side. अब मैं क्या देख रहा हूँ कि by value of sales जो फोन्स की कैटेगरी है रैंकिंग वाइज दिस इज कमिंग एट वन नंबर एंड फास्टनर्स इज कमिंग एट 17 नंबर बाय रैंक, ठीक है? नाउ ये हमने क्या बनाया कि रैंक के हिसाब से हमारा कैसे डेटा दिखना चाहिए, बट अभी अगर मैं इसको टॉप एंड को चेंज करूं सो नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज इसको मैंने कहीं प्लग इन नहीं करा, वी आर जस्ट सीइंग द रैंक राइट नाउ. इसको प्लग इन करने के लिए आई कैन एडिट दैट रैंक बाय सेल्स, गो टू एडिट, एंड यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, रैंक सम ऑफ सेल्स इज लेस देन इक्वल टू टॉप एन, दिस इज द पैरामीटर दैट आई एम यूजिंग, एंड लेट्स क्लिक ऑन ओके. सो नाउ यू कैन सी कि जहां जहां पर मेरी रैंक फोन्स चेयर्स अप टू मशीन्स, मैंने 6 रैंक दिया है यहां पर, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ट्रू इन फर्स्ट 6 फील्ड्स, बाकी सब में इसने फॉल्स कर दिया. इफ आई इंक्रीज दिस वैल्यू you can see कि true की जगह false, false की जगह true हो जाएगा. So अब book cases तक true दिखा रहा है. अगर if I make it to 3, so rank मेरी change हो रही है. अब सिर्फ top rank मेरी phones, chairs और storage की दिखा रही है, which was 1-3. So अभी भी मेरे पास data filter नहीं हो रहा. So उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि I have to pick this rank by sales and put it on filters. और यहाँ पर मुझे false value नहीं चाहिए. यहाँ पर देख रहे थे ना आपकी true भी आ रही हैं, false भी आ रही हैं. But मैं चाहता हूँ सिर्फ true values आए यहाँ पर. So click on OK. And this is done. So this is the third method through which we can perform top n. So इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले rank function use करा to see the rank just for understanding purposes कि rank क्या क्या आ रही है सभी सब categories की. Then second step was to include the parameter. I can show the formula again. Go to edit to include the parameter कि जो भी इस parameter में value देंगे top n में वो value अगर उससे less than जो values होंगी इस मेरे बार चार्ट में खाली वही रैंक दिखाओ. सो आई एम सेइंग कि सिर्फ आई हैव एंटर 6, सो लेस देन 6 जो भी, लेस देन इक्वल टू 6 जो भी मेरी सब कैटेगरीज होंगी रैंकिंग में, वो सारी सब कैटेगरीज मेरे को यहाँ पे शो होंगी शीट के अंदर. इफ आई इंक्रीज दिस दैट विल वर्क, एज यू कैन सी इट इज चेंजिंग. सो दिस इज अगेन बिकम डायनामिक एंड दिस इज लाइक अ इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट टॉप एन एंड बॉटम एन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. So now you know 3 methods. First is using filters, second is using index, and third is using rank. So am I clear till now? Or is there any question? Basic difference about index and between rank. So index is key. Let me go to Excel and add a new sheet.
एंड सपोज मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, मे बी दिस इज मार्क्स. सपोज यहाँ पर मार्क्स हैं किसी के 10, 20, 40, 5, 7 एंड दीज आर दी मार्क्स. सो अब यहाँ पे रैंकिंग बताओ कि मुझे क्या क्या होगी. फाइव वैल्यूज हैं, फर्स्ट रैंक किसकी होगी, विच आर दी हाईएस्ट मार्क्स. तो इसकी रैंक 1 होगी या 41, देन 20 सेकंड दिस विल बी 2, 3 या 4 एंड 5. ठीक है, वी आर क्लियर अबाउट द रैंक, राइट. बट अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स क्या होगा इसका, 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. कि रैंकिंग क्या करता है, वैल्यू के हिसाब से हमें बताएगा कि उसकी रैंक क्या है. बट इंडेक्स क्या करता है, उसको मतलब नहीं है कि क्या वैल्यू है. वो सिर्फ क्या करेगा कि जो सी भी यू कैन से पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, दिस इज सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, वो सिर्फ उसकी पोजीशंस बता देगा, दैट्स इट. सीरियल नंबर वाइज बता देगा. यस यस, दिस इज काइंड ऑफ सीरियल नंबर लाइक वी यूज इन वेरियस वेज. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड रैंक. आई मीन अब हमने दोनों तरफ से देख लिया कि इंडेक्स से, इंडेक्स के थ्रू कैसे बनाएंगे एंड रैंक के थ्रू कैसे बनाएंगे. Let me edit the labels so that understanding will be clear. Okay. Next. ये एक्सेल में भी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना, तो आई थॉट कि उस तरह से आप यूज करते होंगे. ओके. हाँ, इंडेक्स इज वेरी कॉमन कि मोस्ट ऑफ दी यू कैन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है. ओके. Now, अब हमने रैंक की बात की है. सो देर आर मल्टीपल फंक्शन फॉर रैंक इन टैबलो. रैंक फंक्शन इफ आई वॉन्ट टू शो, अगर आप देखना चाहते हो कि टैबलो के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं, जस्ट गो टू दिस ड्रॉप डाउन, क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड. अब यहां पर मेरे पास एक बटन आ रहा है विच आई कैन क्लिक. इफ आई क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी कि यहाँ पे कितने सारे फंक्शन आ रहे हैं. सो दीज आर ऑल द फंक्शन दैट आर अवेलेबल इन टैबलो, which we cannot, of course, discuss each of them. So I will be picking up few of the functions which are important and jiske through hum kaam karenge. So as per the requirements, I will be explaining. So jaise maine yahan pe rank function ki baat kari, so I just explained ki rank kya hota hai. But there are multiple rank functions. If I just search rank, you can see rank, rank dense, rank modified, rank percentile, rank unique. So yahan par benefit kya aapke paas? If I just click on any function, यू कैन सी कि इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि क्या क्या काम करता है, एंड इसके नीचे एक एग्जाम्पल भी आ रहा है कि कैसे यूज कर सकते हो. सो यू कैन एक्सप्लोर सम अदर फंक्शंस योरसेल्फ कि क्या फंक्शन क्या काम करता है. ठीक है, सिमिलरली एबीएस क्या करता है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. सो यू कैन एक्सप्लोर इट एंड यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल द फंक्शंस. बट राइट नाउ लेट्स यूज डिफरेंट. यहाँ से हम कोई फॉर्मूला सर्च करते हैं, राइट? Yes, yes. Right. Else, you have another option कि आप categories हैं ऊपर, आप specific category में search कर सकते हो कि string functions कौन कौन से हैं जो आपकी string values पे काम करेंगे. Then maybe logical functions कौन कौन से हैं, like and, case, ये सब हमारे पास SQL में भी होते हैं generally. Then हमारे पास aggregate functions हैं, same like sum, count, percentile, standard deviation, variance. ये सब एग्रीगेट फंक्शंस हैं. देन वी हैव लाइक स्पेशल फंक्शंस एज वेल, यू कैन चेक इट, डेट फंक्शंस. सो हम कुछ कुछ डेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ फंक्शन में टच करेंगे. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इन सभी कैटेगरी से एक दो फंक्शंस मैं टच करूं, बट इट्स लाइक आउट ऑफ स्कोप कि मैं सारे फंक्शन के बारे में बता पाऊं. सो यू हैव टू एक्सप्लोर इट योरसेल्फ. ओके, सो नाउ अब हमने देखा कि रैंक फंक्शन यहाँ पे कितने हैं. दे आर फाइव फंक्शन इन टैबलो. नाउ इट्स रैंक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो पूछा जाता है इंटरव्यू में कि वट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंक फंक्शन दैट आर अवेलेबल इन टैबलो. सेकेंड क्वेश्चन इज कि सब में बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है, और ये बेसिक डिफरेंस तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हम इसको अप्लाई करके नहीं देखेंगे. ये पढ़ने से भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट राइट नाउ. वी विल सी द लाइव एग्जाम्पल कि कैसे काम करेंगे. बट इसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ डेटा. सो लेट मी क्विकली क्रिएट अ डेटा फॉर इट. वी कैन क्रिएट डिफरेंट एम्प्लॉय आईडीज. आई एम गोइंग टू ड्रैग इट वेरी क्विकली.
we can increase. Then make it just. तो अभी हमारा data source Excel ही है ना अभी. Yes, yes. Right now it's Excel. बाद में हम किसी data source change करेंगे जिसमें कहीं database से हम data लाएंगे live. उसके बाद we can. So we can create some numbers like bottom number is maybe 50 and top number is 94. So मेरे कुछ random numbers generate हो गए हैं यहाँ पर marks के लिए and then grade के लिए I am using any grade. So please don't mind कि मैं grade यहाँ पे कुछ भी डालूँ तो and maybe because random numbers we of course change होंगे then B D D E suppose these are the grades these are the marks and these are the employee IDs now I am going to save it and go to let me save it in let's save it here and I can name employees अब रैंक फंक्शंस के लिए लेट मी ओपन अ न्यू एक्सेल कनेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड इसको हम कनेक्ट करेंगे अब डॉक्यूमेंट्स एंड एम्प्लॉइज सो इट इज फेचिंग द डेटा and make it extract go to worksheet save so now we have this these fields one is marks grade and employee id so let's first of all pick employee id and put it on rows then pick grade and put it on rows and also pick marks put it on rows make it discrete so mere paas kya teen columns hain one is employee id grade and marks now what we will do or rather pick and make it on text so this is better so one is employee id second is grade third is marks now we will use one by one all the rank functions that are there and hum difference dekhenge ki kya difference hai sab mein make a calculated field make it rank then I'm going to use rank of ab humne rank kiske hisab se dekhni hai marks ke hisab se so use sum of marks then by default descending dikhata hai let's keep it as it is or yeah that is fine okay so ab main isko kya karunga rank ko place kar dunga text ke andar or rather I can create a text table. Okay, rank sum of marks. Just wait a minute. Let me remove all of these. So we have employee ID, we have grade. We have employee ID, we have grade. Then we have marks and then we have let's pick major values and put it on text and major values may remove this sum of numbers just wait why it is not working let me check so we have employees put it on columns and rank put it on columns and now make it as a text table okay now it is fine so let's pick some other functions as well
मेक इट डुप्लीकेट, रैंक की जगह हम लेंगे अब डेंस रैंक. सो यहाँ पर मेरे पास रैंक की कॉपी बन चुकी है एडिटेड, एंड रादर देन रैंक वी आर गोइंग टू यूज रैंक डेंस, एंड रैंक की जगह लेट्स यूज रैंक डेंस एंड क्लिक ओके. एंड इसको भी हम यहाँ पे मेजर वैल्यूज में डाल देंगे. सो वी आर थर्ड कॉलम नाउ, देन अगेन क्रिएट इट्स कॉपी, duplicate, then again duplicate, and finally one more time because we have five functions. So pick the first one, edit it, not duplicate, edit, and now instead of rank dense we are going to use rank modified, and iski jagah hum change karenge isko rank modified. Okay, and इसके लिए भी हम चेंज करेंगे रैंक मॉडिफाइड की जगह रैंक यूनिक, और लेट्स पिक रैंक रैंक परसेंटाइल. ओके, एंड फाइनली एडिट, नॉट दिस वन, द कॉपी, एडिट, एंड द लास्ट वन इज रैंक यूनिक. यूनिक, या सो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि आपको ऑप्शन पैरामीटर दे देते हैं यहाँ पर, विच इज डेस्क, बाय डिफॉल्ट डेस्क ही होता है, सो वी कैन ऑल्सो गिव दिस. ओके, सो नाउ वी हैव ऑल दीज फंक्शंस, रैंक, रैंक मॉडिफाइड, रैंक परसेंटाइल, यूनिक एंड रैंक डेंस. रैंक और रैंक डेंस मैंने डाल दिया, थर्ड इज मॉडिफाइड, फोर्थ इज परसेंटाइल, फिफ्थ इज यूनिक. लेट्स सी कि सब में डिफरेंस क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक में डिफरेंस क्या आता है. तो सबसे पहले अगर हम देखें विच इज रैंक, ठीक है, व्हाट इज रैंक. रैंक क्या बताता है कि हमें ये सारी वैल्यूज, जैसे हमारी सबसे टॉप रैंक है 92, बट यहाँ पर आई वांटेड टू शो वन थिंग कि जो भी हमारे पास सेम रैंक होगी 72 एंड 72 उसके लिए सेम रैंक ही असाइन करेगा, ठीक है, जिस सेम मार्क्स है सॉरी यहाँ पर, तो उसके लिए सेम रैंक असाइन करी इसने. यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी है 10, और हाइएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी 10 आ रही है, ठीक है. बट यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस कि फर्स्ट जो रैंक है 92 के लिए विच इज वन, 92 के लिए विच इज वन, बट इसके बाद नेक्स्ट रैंक क्या होनी चाहिए, 2, बट इट इज नॉट देयर, 2 यहाँ पर कहीं नहीं है, इट इज जंपिंग टू 3 डायरेक्टली. सो एज यू कैन सी 1 1, एंड फाइनली ये 3 पे जंप हो रहा है, बिकॉज 92 के बाद वैल्यू क्या आएगी, 90, विच इज सेकेंड हाइएस्ट, बट इट इज शोइंग द रैंक एज 3. वाई, बिकॉज 3 से पहले, आई मीन इस एलिमेंट से पहले दो वैल्यूज ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं वो रैंक 1 में. सो चाहे उसने रैंक उसको 1 असाइन करी है, बट एक्चुअली वो दो वैल्यूज हैं, इसलिए बैकएंड में वो समझ रहा है कि दो वैल्यूज मैंने कंसीडर कर ली हैं, सो जो भी नेक्स्ट मेरी वैल्यू आएगी उसको मैं रैंक 3 असाइन कर लूंगा. सिमिलरली 3 के बाद मेरे पास 4 भी नहीं है, 4 है सॉरी, 4 इज देयर, देन 5 के लिए मेरे पास अगेन 2 हैं, 75 75, सेम रैंक है. सो इस केस में भी क्या होगा कि 5 तो इसको दे दिया, नेक्स्ट 6 रैंक मिस कर देगा, बिकॉज 2 हैं. सपोज मेरे पास 75 तीन रोज में होता, तो वहां पर क्या करता है 5 5 5, एंड सीधा ये जाता 8 पे, 6 भी मिस कर देता, 7 भी मिस कर देता, सीधा 8 पे जाता. तो इस केस में इसने 6 मिस कर दिया, डायरेक्टली जा रहा है 7 पे. अब 7 के लिए भी 2 हैं, 7 7, देन ये 8 मिस कर देगा, सीधा 9 पे जाएगा, 9 फाइनली 10 पे. सो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं रैंक के, हर एक रैंक फंक्शन में कैसे काम करते हैं बैकएंड में. सो जस्ट सी एंड फोकस हेयर कि ये हमने बात करी रैंक फंक्शन की. सेकेंड फंक्शन इज रैंक डेंस. अब रैंक डेंस में क्या फर्क है, लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पर भी मेरे पास 1 and 1, दिस इज सेम, ठीक है, सेम जो मार्क्स है उसको इसने सेम रैंकिंग दी. देन इसमें भी यही हो रहा है कि इसने सीधा 3 पे जंप मार दी, और सॉरी यहाँ पे जंप नहीं मारेगा, यहाँ पे इट हैज वेंट टू 2 है. यस, द पॉइंट इज कि रैंक में क्या हो रहा था कि यहाँ पर स्किप कर रहा था उन वैल्यूज को जो वो ले चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पर इट डजेंट मैटर, चाहे वो रिपीट हो रही है तो भी उसकी रैंक उसको स्किप नहीं करेगा वो, किसी भी रैंक को. 1 के बाद 2 ही आएगा, एंड 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद चाहे वो डुप्लीकेट हो 3, देन 4 4 यहाँ डुप्लीकेटेड है, देन 4 के बाद 5 6 एंड 7. सो यहाँ पर 3 वैल्यूज इस पूरे डेटा में डुप्लीकेटेड है, सो इसलिए उसने उन 3 वैल्यूज को छोड़ के टोटल रैंक इसने दिखा दी अब 1 2 7. Is it clear? Basically, यहाँ पे कोई भी रैंक मिस नहीं होगी जो हमारे इस केस में हो रही थी.
ओके, द नेक्स्ट इज रैंक मॉडिफाइड. रैंक मॉडिफाइड में क्या होगा कि यहां पर क्या दिखा रहा था हमारे पास, वन वन एंड नेक्स्ट वैल्यू सीधा थ्री, एंड थ्री के बाद सीधा फाइव, एंड फोर के बाद सॉरी थ्री फोर एंड डायरेक्टली फाइव. और फाइव क्यों दिखा रहा है कि फोर के बाद डायरेक्टली फाइव आ रहा है, बट रैंक मॉडिफाइड में क्या होगा, ये फाइव को स्किप कर देगा, यानी कि पहले वाली वैल्यू स्किप कर देगा, डायरेक्टली सिक्स दिखाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम कि फर्स्ट वैल्यू इसने स्किप कर दिया, फर्स्ट रैंक पे कौन है, दो वैल्यूज हैं, तो ये टू लिखेगा यहाँ पर. अगर फर्स्ट रैंक में तीन वैल्यू सेम होती 92, 92 एंड 92, सो यहाँ पे क्या दिखा था, थ्री थ्री एंड थर्ड वैल्यू में भी थ्री. ठीक है, देन आफ्टर दिस रैंक टू इट कम्स टू थ्री, थ्री के बाद फोर, एंड फोर के बाद मेरे को पता है कि ये दोनों रैंक की जो यहाँ पे रैंक थी फाइव थी, फाइव एंड फाइव, बट यहाँ के दिखाएगा सिक्स एंड सिक्स. सो ये जो पहले वाली रैंक आ रही है उसको स्किप कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बाद वाली रैंक है उसको स्किप कर रहा है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड रैंक मॉडिफाइड. फाइनली जो उसके बाद मेरे पास एट एंड एट है, तो इसने सेवन स्किप कर दी, यहाँ पर एट दिखा रहा है डायरेक्टली, देन नाइन एंड टेन, एंड देन रैंक परसेंटाइल. रैंक परसेंटाइल में क्या होगा कि जो सबसे यू कैन से हाईएस्ट रैंक है, विच इज द हाईएस्ट मार्क्स 92, उसको दे एक परसेंटाइल दे देगा वन, विच इज 100, 100 परसेंटाइल है ये. सो इसको इसने दे दिया वन वन, एंड देन उसके बाद इसके हिसाब से सारी रैंक कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन दिस परसेंटाइल. लाइकवाइज कैट स्कोर्स एंड मल्टीपल स्कोर्स आर कंप्यूटेड इन एजुकेशन. एंड फाइनली वी हैव रैंक यूनिक. यहाँ पे इसको कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी रैंक डुप्लीकेटेड है, कुछ भी है, वो किसी को स्किप भी नहीं करेगा, सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रैंक दे देगा इसको सिंपली. बट इट मैटर्स कि पहले कौन सी वैल्यू आ रही है उसको पहली रैंक देगा. जैसे यहाँ पर 92 पहले ये वाला आ रहा है, तो इसको इसने रैंक वन दे दी, देन 92 उसके नीचे है तो इसको टू देगा. सिमिलरली अगर मैं 5, 6 की बात करूँ, तो पहले 75 ये वाला आ रहा है, इसको इसने रैंक 5 दी, देन 6. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन ऑल द फाइव रैंक फंक्शंस दैट वी हैव इन टैबलो. आर दीज क्लियर? बिकॉज ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, छोटे छोटे से डिफरेंस हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, देन ऑफ कोर्स इंटरव्यू समझ जाएगा कि ज्यादा काम नहीं करेगा बंदे ने. रैंक मॉडिफाइड, ओके, लेट मी गो टू एक्सेल. जैसे हमने ये रैंक का एग्जांपल लिया था, सपोज यहाँ पर मैं एक और वैल्यू ऐड करूँ 40 एंड 10. यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं रैंक मॉडिफाइड. ओके, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी है, 40, सो इट विल असाइन 1, राइट, एंड यहाँ पर भी 1 असाइन करना चाहिए इसको, राइट, बट ये ऐसे करेगा नहीं. ये क्या करेगा, इसको भी वन देना है, इसको भी वन देना है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2. सो यहाँ पे रैंक क्या दे देगा, ये 2 और 2, 1 स्किप कर देगा ये. सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरे पास एक और 40 होता, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हो गए सेम वैल्यू के, विच इज द हाईएस्ट, सो ये क्या करेगा, 1, 2, 3, सो 1 और 2 स्किप कर देगा, 3, 3 एंड इसमें भी 3. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैल्यू इज 40 के बाद 20, सो इसे क्या करेगा, 4, देन 20 के बाद 10, 10 में भी दो वैल्यूज हैं, 10 एंड 10. 4 की जगह यहाँ पर 5 आना चाहिए, बट ये दो वैल्यूज हैं तो एक वैल्यू स्किप कर देगा, नेक्स्ट वैल्यू दिखाएगा 6, 6 एंड यहाँ पर भी 6. देन 10 के बाद मेरे पास आएगा 7, सो 6 के बाद 7 एंड फाइनली द लास्ट वैल्यू इज 8. सो दिस इज हाउ यहाँ पे रैंकिंग कैसे होगी वो पता चल रहा है. सो टोटल आर 8 वैल्यूज. सो हमने 8 रैंक तो असाइन कर दी अप टू 8, बट यहाँ पर पहले वाली जो वैल्यू होगी लाइक 1 एंड 2 यहाँ पर स्किप हो गया, 5 यहाँ पर स्किप हो गया. ठीक है, बट नाउ रैंक की बात करें हम, तो इसमें क्या होगा, 40 इज 1, यहाँ पर भी 40 इज 1, तो यहाँ पर दो एलिमेंट, यहाँ पर भी 40 इज 1, सो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है ना, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को लिख देगा, देन 2 और 3 स्किप कर देगा, सीधा 4 पे चला जाएगा, विच मीन्स 20 वुड बी 4, देन 10 इज 5, दिस 10 इज ऑल्सो 5, देन स्किप 6 मिक्स स्किप हो जाएगा, 6 के बाद सीधा यहाँ पे 7 एंड फाइनली 8. ठीक है, क्लियर? ओके, सो नाउ संजय लेट्स रीजॉइन बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट अप.
और मे बी आई थिंक वेट 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 इट विल नॉट ड्रॉप बिकॉज आई थिंक दो ही लोग हैं तो राइट ओके लेट्स कंटिन्यू देन सो द अदर टॉपिक इज वी हैव कवर्ड ऑल दीज थ्री मेथड्स देन वी हैव कवर्ड ऑल दीज रैंक फंक्शंस नाउ नेक्स्ट इज रनिंग फंक्शंस लेट्स चेक कि हमारे पास रनिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं अगेन गो टू क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड एंड यू कैन सर्च हेयर रनिंग अब रनिंग फंक्शन मेरे पास पांच हैं पहले तो पांच फंक्शन कौन कौन से हैं एवरेज काउंट मैक्स मिन एंड सम ये पांचों फंक्शन कैसे हैं दिस कम्स अंडर एग्रीगेट कैटेगरी कि हमारे पास ये पांचों एग्रीगेट फंक्शन हैं एंड ये पांचों फंक्शन हमारे पास सीक्वल के अंदर भी होते हैं सो बिफोर गोइंग टू रनिंग फंक्शन वी शुड नो कि ये सारे फंक्शन क्या करते हैं आई थिंक यू मस्ट हैव आइडिया कि नॉर्मल एवरेज देन टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट्स देन फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू एंड टेकिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज सो ये तो नॉर्मल मैथ्स है नाउ द क्वेश्चन कम्स कि रनिंग फंक्शन क्या करते हैं सो फॉर दैट लेट्स क्रिएट अ न्यू शीट हेयर पिक सब कैटेगरी एंड पुट इट ऑन रोज देन we are going to create a running function create calculated field and make it as running sum this is the name of the field that we are creating by using the calculations what is the calculation here I'm going to use running sum of what sales or maybe this time let's pick it as profit theek hai so ye mere paas running function create ho this is giving error because we have to pick sum of profit This should work now. Okay, calculation is valid, and click okay. So मेरे पास यहाँ पे running sum एक field create हो गई. Now running sum करेगा क्या? What is you can say moving sum कि पहली value में इसकी value दिखाएगा ये accessories की. Then second appliances की जो भी value होगी, then उसमें क्या दिखाएगा accessories plus appliances. Art में जो value होगी, उसमें क्या दिखाएगा accessories plus appliances plus art. ऐसे करते करते नीचे जाके टेबल्स तक सारे प्लस होके टेबल्स के अगेंस्ट जो वैल्यू दिखेगी दैट मींस कि टोटल मेरे जो प्रॉफिट है वो कितना आया ठीक है बाय कंसीडरिंग ऑल द कैटेगरीज सो लेट्स पिक इट एंड प्लेस इट ऑन टेक्स्ट सो इट इज टेकिंग सम टाइम टू कंप्यूट ओके इट्स डन और मे बी रादर देन टेक्स्ट पुट इट ऑन कॉलम सो दैट एक हमारे पास बार चार्ट क्रिएट हो जाए एंड Now, what we can do, wait, there is some problem, I think. Computed along subcategory. No, this is wrong. Okay. To understand this example, profit मेरा negative भी हो सकता है, right? तभी ये values मेरी कम हो रही हैं. I was like surprised कि ये गलत कैसे हो गया. ठीक है, let's pick it sales because sales मेरी positive होंगी हमेशा. Profit मेरा negative भी हो सकता है because कई categories में मुझे losses भी हो सकते हैं. ठीक है, so for this example, let's pick sales. Okay, now it looks better. And अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? We can pick running sum and put it on label as well ताकि मुझे पता चल जाए क्या-क्या values हैं. And we can change this label format. Go to field, aggregate running sum, make it as number in thousand. Okay. अब हम क्या देख पा रहे हैं कि I can do one more thing. I can pick sales and put it on columns. Okay. अब यहां पर क्या है कि वेट ओके द प्रॉब्लम इज कि यहां पर भी जो लेबल है वो इसी का दिखा रहा है लेट मी चेंज द लेबल सो जो मेरा फर्स्ट बार चार्ट है दैट इज फॉर रनिंग सम एंड सेकेंड बार चार्ट मेरा सम ऑफ सेल्स का है सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट सेल्स हैं इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट फील्ड्स सम ऑफ सेल्स नंबर कस्टम एंड मेक इट इन थाउजेंड्स डन क्लोज इट अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो
फर्स्ट वाला मेरा ये है बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, दिस इज फॉर रनिंग सम, सेकंड बार चार्ट इज फॉर सम ऑफ सेल्स। सो जो मेरी एक्सेसरीज कैटेगरी है इसके लिए सेल्स कितनी है 167K, तो मेरी एक्सेसरीज के लिए 167K दिखा रहा है। देन अप्लायंसेस के लिए मेरे पास सेल्स है 107K। सो इफ आई एड अप्लायंसेस एंड एक्सेसरीज विच मेक अ टोटल ऑफ 107 प्लस 167 इज 274। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेसरीज प्लस अप्लायंसेस दिखा के टोटल दिखा रहा है। देन आर्ट के लिए तीनों को प्लस दिखा रहा है, बाइंडर्स के लिए चारों को प्लस दिखा रहा है। सो दिस इज नोन एज रनिंग सम, की स्टार्टिंग से लेकर रन होता रहेगा एंड इसको एड करता रहेगा हर एक यू कैन से कैटेगरी के लिए, सब कैटेगरी के लिए, एंड फाइनली टेबल्स में जो दिखाएगा वैल्यू वो सबका सम होगा। सो दिस इज हाउ रनिंग सम वर्क्स। एंड सिमिलरली हम रनिंग सम की जगह रनिंग एवरेज भी ले सकते हैं, रनिंग मिनिमम, रनिंग मैक्सिमम एंड रनिंग काउंट। इफ आई चेंज इट टू रनिंग काउंट वी कैन एडिट दिस फॉर्मूला, एडिट, एंड इसकी जगह मैं सम की जगह, सॉरी इधर रनिंग सम की जगह रनिंग काउंट लूं एंड क्लिक ओके। अब काउंट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको 1000 में ले रखा है। वी हैव टू फॉर्मेट इट अगेन, एग्रीगेट रनिंग सम, मेक इट एज ऑटोमेटिक। सो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर काउंट क्या था 1, यहाँ पे 2, बिकॉज इसको रनिंग काउंट ले रहे हैं, 1 प्लस 1 2, देन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। सो ऐसे हम रनिंग सम, रनिंग काउंट, रनिंग मिनिमम, रनिंग एवरेज एंड रनिंग मैक्सिमम, ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो रनिंग में काम आते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 5 रनिंग फंक्शंस एंड देन वी डिस्कस 5 रैंक फंक्शंस। अब हम जो आगे बात करेंगे दैट इज इफ एल्स कंडीशंस एंड इफ एल्स कंडीशन यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है। बट बिफोर दैट रनिंग फंक्शन में क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन? इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट यू शुड नो, मैंने इसलिए बताया आपको बिकॉज रनिंग फंक्शंस कभी कभी काम आ जाते हैं व्हेन वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि रनिंग फंक्शंस कैसे काम कर सकते हैं। जनरली रनिंग फंक्शंस के बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है, ओके। सो बिफोर गोइंग टू इफ एल्स कंडीशंस लेट्स क्रिएट अ वर्ड क्लाउड एंड बबल चार्ट्स, बिकॉज ये दो चार्ट्स हैं जो बहुत इजी हैं एंड दिखने में इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस से ये काफी पावरफुल हैं। सो लेट मी नेम इट रनिंग फंक्शंस एंड देन एड अ न्यू शीट। डू यू नो व्हाट इज वर्ड क्लाउड? आपने देखा होगा जरूर कहीं ना कहीं पे, लेट मी एक्सप्लेन इट कि बनते कैसे हैं। So let's pick the subcategory and put it on rows or directly put it on text to make a word cloud. So यहाँ पर text में डालते हैं मेरे पास सारी subcategories rather than you can say rows, यहाँ पर ऐसी मेरे पास text place हो गया sheet के अंदर, ठीक है। अब ये तो मेरा बहुत ही बेकार दिख रहा है text दिखने में, ठीक है, इसका क्या करूँगा मैं, there is no use. But once I place any measure यहाँ पे list में से सेल्स और मे बी क्वान्टिटी प्रॉफिट, देन यू कैन सी कि ये कितना पावरफुल है कि सिर्फ इतनी ईजिली हम कितनी बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल इन दिस यू कैन से शो मी ऑप्शन, ये डायनेमिक क्रिएट होते हैं जैसे अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। सो ये यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है कि आप ये चाहो कि सीधा मैंने टेक्स्ट डाल दिया एंड क्लिक ऑन एनी ऑप्शन आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अब हम क्या कर, हम अभी तक हमने क्या करा, you have to pick one dimension, suppose मैंने सब कैटेगरी पिक करा एंड पुट इट ऑन टेक्स्ट, मेरा ऐसे टेक्स्ट आ गया। नाउ पिक एनी मेजर, मे बी वी कैन पिक प्रॉफिट एंड पुट इट ऑन साइज। जैसे मैंने साइज पर डाला, इट इज प्रोसेसिंग, ओके, इट हैज क्रिएटेड हीट मैप विच वॉज नॉट द रिक्वायरमेंट। लेट्स डू वन थिंग, let's pick sales and put it on size. Instead of automatic we can click on text, okay.
now it's great. So we can change to profit again. So अब यहाँ पर okay, this is fine. Sorry, sales is fine. So अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो सी भी सब कैटेगरी है उसका वर्ड उतना बड़ा आ रहा है, ठीक है. एंड जो सी भी सबसे जिसमें सबसे ज्यादा कम सेल्स हुई, सबसे कम जिसमें सेल हुई विच इज फास्टनर्स, जो हमने कई जगह देख लिया है, उसका जो वर्ड आ रहा है बहुत छोटा आ रहा है. सो नाउ हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ वर्ड क्लाउड एनीवेयर? ठीक है. नाउ अभी भी मेरा ना इसमें कुछ, इसने बहुत बढ़िया काम कर दिया कि मेरे को सब कैटेगरीज के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है. लाइक फोन इज द बेस्ट परफॉर्मर, चेयर्स इज द बेस्ट परफॉर्मर, देन स्टोरेज, टेबल्स, सो ऑल ऑफ दीज आर बेस्ट परफॉर्मर्स एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इफ वी मेक सम कलरिंग देन इट विल लुक वेरी प्रिटी. सो हम क्या करेंगे कि हमने सेल्स लिए यहाँ पर, पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन कलर एंड चेंज द कलर्स टू एडिट कलर्स, मेक इट ऑरेंज गोल्ड. ओके, अब यहाँ पर इट इज मेकिंग लिटिल सेंस कि मेरे जो फोन्स है वो काफी डार्क कलर के, दिस मीन्स कि मेरी इन दोनों कैटेगरीज की सेल्स काफी हाई है. बट इफ आई टॉक अबाउट फास्टनर्स, दिख भी नहीं रहा इसमें, ठीक है. सो दिस मीन्स कि ये फास्टनर्स की कैटेगरी बहुत ही कम है. ये कब काम आता है, वेन लाइक इफ यू वॉन्ट टू टेक अ वेरी क्विक लुक एट द डेटा. ये क्या बता रहा है कि फोन से एक ऐसी कैटेगरी है और चेयर्स ऐसी कैटेगरी जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू दे रही है, देखते ही पता चल गया मुझे, ठीक है, बिकॉज मैंने बाय रिस्पेक्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सेल्स लिया हुआ यहाँ पर डेटा. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ वर्ड क्लाउड वेरी इजिली. हमने कुछ यहाँ पर ज्यादा काम नहीं किया, वी हैव टू जस्ट नो कि हमें कौन सी वैल्यू कहाँ प्लेस करनी है एंड कौन सा यहाँ पर मार्क सेलेक्ट करना है विच इज टेक्स्ट, ठीक है. इफ आई चेंज इट टू एनी थिंग एल्स लाइक बार, दिस विल गिव यू सम अनडिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है. सो मेक इट एज टेक्स्ट, दैट विल वर्क. नाउ अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं टू मेक इट मोर बेटर, ऑल्दो दिस इज गुड, ठीक है, बट यू कैन क्लिक ऑन फॉर्मेट, राइट क्लिक एंड गो टू दिस शेडिंग एंड वर्कशीट की हम शेडिंग चेंज कर सकते हैं. मे बी मेक इट लिटिल ग्रे और लिटिल लाइटर, ठीक है. अब मेरा ये शेड वाइट से कुछ मैंने चेंज करके कोई शेडिंग चेंज कर दी. दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ, क्योंकि हम अभी डैशबोर्ड से बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट इन लर्निंग फेज. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है. बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो सो दैट कि आपका हर जगह व्हाइट बैकग्राउंड ना दिखे. इफ यू वॉन्ट टू मेक इट एज कस्टम समवेयर यू कैन डू दैट. सो दिस इज अबाउट वर्ड क्लाउड. ये बनाने में बहुत आसान है बट इफेक्ट बहुत अच्छा देते हैं ये सामने व्यूअर पे, जो भी आपका डैशबोर्ड देखेगा. इसके साथ इनका टेक्स्ट भी आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ कि टेक्स्ट भी काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है. So what we can do, we can reduce these or maybe you can undo and pick sales and put it on tooltip. So tooltip mein ab aapke paas har category mein, sub category mein aapke paas sales bhi dikhayega, theek hai. Else you can also do one thing ki category mein ab jaoge, where is category, first one, put it on filters, select all एंड ओके. इसकी रिप्रेजेंटेशन है जनरली ऐसे ही होती है. इफ आई क्लिक ऑन शो फिल्टर अनचेक, सो यहां पर क्या होगा कि अब मुझे विद इन, अगर अभी फोन्स किस में आएगा टेक्नोलॉजी में, इफ आई अनचेक टेक्नोलॉजी, सो अभी क्या करेगा बाकी दो कैटेगरीज में निकाल के दे देगा कि इन दो कैटेगरीज में कौन सा बेस्ट मेरी कैटेगरी का सब कैटेगरी है जो परफॉर्म कर रही है. एंड इफ आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट फर्नीचर, तो अभी फिर सिर्फ फर्नीचर में बता रहा है कि कौन सी कैटेगरी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है. इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसी ही होती है, दैट्स व्हाई कि बिकॉज बना ही है इसलिए कि इजी रिप्रेजेंटेशन हमें ग्लिम्स मिल सके विद बाय जस्ट लुकिंग एट द डेटा. रिप्रेजेंटेशन ऐसी इसकी होगी बट इसमें कैटेगरी हम चूज कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी दिखा सकते हैं. बिल्कुल, यू कैन मेक इट कंप्लीटली डायनामिक बाय यूजिंग पैरामीटर्स, बाय यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स, बहुत कुछ कर सकते हैं बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है. मे बी यू कैन, we can try one more thing, कि अगर हम
प्रॉफिट दिखाने चाहिए साथ में एंड पुट इट ऑन साइज. इट्स लोडिंग. सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि हमने जो वर्ड क्लाउड है वो हम प्रॉफिट के हिसाब से दिखा रहे हैं, बट टूल टिप में मेरे पास प्रॉफिट भी दिख रहा है, अब सेल्स भी दिख रही हैं. सो यू कैन इंक्रीज योर होराइजन एंड क्वांटिटी को भी आप टूल टिप में डाल सकते हो, आप सब कुछ दिखा सकते हो इसके अंदर. बट बेसिक रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखानी है बाय विद रिस्पेक्ट टू सेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, दैट यू हैव टू डिसाइड. ठीक है. Okay. इसमें लेवल अगर मैं लगा दूं जैसे फॉन्ट के जस्ट नीचे ये नंबर का प्रॉफिट भी नंबर से आ सकते हैं ना, आ जाएंगे बट इट विल नॉट लुक गुड. इट इज लाइक कमिंग एज दिस. इफ आई वांट टू गो टू दिस क्लिक सम ऑफ प्रॉफिट मेक इट एज 8 एंड मेक सब कैटेगरी मेक इट एज मे बी 12 and click OK. So ये पूरा हिल गया, मतलब if I want to change the font as well. So this will not work somehow. It doesn't seem good. Yeah. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी basic representation वैसी होती है जो पहले थी. इस तरह. ठीक है. ठीक है. Okay. And dashboard में ना आपको ये ऐसे scattered नहीं दिखेगा. If I maybe add a container in the dashboard. Although बाद में देखते हैं ये चीज. एंड इफ आई पिक दैट शीट वर्ड क्लाउड, सो जरूरी नहीं है कि आपको ये वर्ड क्लाउड जब हम डैशबोर्ड में डालेंगे तो फिट एंटायर व्यू. सो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो किसी तरह कि आपको कितना दिखाना है इसको. I have to make it a floating word cloud. Suppose आपको dashboard में इसको let me fit entire view expand. जरूरी नहीं है आपको पूरा फैला हुआ दिखाना, आप इसको छोटा भी दिखा सकते हो. ठीक है, तो उसमें भी cover कर लेगा ये अपने आप. And maybe increase remove the title and remove this filter or remove this legend. So ये उसमें शीट में देखो कैसे आ रहा था कि पूरा फैला हुआ था ये ऊपर नीचे, बट जरूरी नहीं है कि आपको वैसे दिखाना है. यू कैन चेंज इट्स लेआउट, यू कैन इंक्रीज द विड्थ एज वेल, तो ये उसमें एडजस्ट करेगा अपने हिसाब से. राइट राइट. डैशबोर्ड की मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा बिकॉज डैशबोर्ड बनाना ऑल्दो एक डिफरेंट टास्क है. वी शुड नो कि कैसे बनानी है चीजें. डैशबोर्ड इज द फाइनल थिंग दैट वी विल डू. ऑल्दो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ साथ साथ, लास्ट सेशन में बताया था कि डैशबोर्ड में कैसे काम करना है, बट प्रॉपर डैशबोर्ड बनाने के लिए वी आर नॉट रेडी राइट नाउ. वी शुड नो सम अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है, सो आई विल कवर ऑल दिस थिंग्स लेटर, बट अभी के लिए वी नो हाउ टू क्रिएट अ वर्ड क्लाउड एंड देन आई थिंक टाइम कम रह गया. सो लेट्स क्विकली डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ बबल चार्ट एंड फाइनली वी आर डन. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट सेशन. वैसे तो इफ एल्स कंडीशंस रह गए एंड क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड यूजिंग दीज शीट्स, वी विल डू इट टुमारो. सो अभी के लिए हम एक बबल चार्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. उसके लिए भी लेट्स पिक अगेन सब कैटेगरी. आज मैंने सारा काम इसी पे किया है. ठीक है, एंड देन इट्स वेरी सिंपल. गो टू सेल्स, पुट इट ऑन टेक्स्ट, एंड अभी है मेरे पास टेक्स्ट टेबल है. गो टू शो मी एंड क्लिक ऑन पैक्ड बबल्स. सिर्फ क्लिक करते ही यू कैन सी कि हाउ पावरफुल इट इज कि इसने एक बबल चार्ट क्रिएट कर दिया. एंड अगेन रिप्रेजेंटेशन इज सेम कि रिप्रेजेंटेशन में से क्या कर रहा है कि मतलब वही सेम चीज की जो जितना बड़ा बबल है दैट मींस कि उतनी ज्यादा सेल्स हैं. एंड इंस्टेड ऑफ सर्कल्स इफ आई चेंज टू स्क्वेयर यू कैन सी कि अब ये इसने हीट मैप बना दिया. देन इफ आई चेंज इट टू शेप देन इट्स नॉट वर्किंग. इफ आई मेक टू टेक्स्ट यू कैन सी कि मेरा वर्ड क्लाउड बन गया. So by changing the, you can say, these marks, आपका चार्ट का लेआउट चेंज हो रहा है पूरा. सो मेक इट सर्कल और इफ आई ट्राई पाई दैट विल वर्क, बट दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग दिस डेटा बिकॉज हमारे पास कैटेगरीज बहुत ज्यादा है. पाई चार्ट हम तब दिखाते हैं once, when we have very limited kind of sub categories or maybe any variable जिसमें बहुत ही 7-8 values हों.
that is the best representation to show a pie chart. Then density, this will not work. So best is use circle or text in such cases. Okay, somehow yeah, paste. Let's click on, we have to create it again. Isme kuch changes ho gaye. Let's pick subcategory, put it on rows, make it automatic, and sales, text, and bubble chart. Okay. So अब हम बबल चार्ट में rather than showing the colors by each sub category, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक separate sub category का अलग अलग colors आ रहे हैं, right? But this is not a good way to present a bubble chart. Rather than we can pick sales and put it on color. So sales के हम हिसाब से हम color दिखाएं, that makes a sense, makes sense. So make it green gold, okay. So अब हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे darkest color है, सबसे बड़ा जो जिसका circle है, that is phones and chairs, जो कि हम word cloud में देख पा रहे थे. ठीक है, सो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन टू शो योर डेटा. आई लाइक दिस कलर पर्सनली, सो लेट्स यूज दिस. ठीक है, सो दिस इज अनदर वे टू लाइक प्रेजेंट द डेटा, एंड यू कैन ऑल्सो रिड्यूस और इंक्रीज द साइज. व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? Somehow it is not working, but yes, generally I use this feature to like reduce and increase the size. Let's try to fit it on dashboard. Yahan par we can fit it to entire view, so that we adjust kar le. We can remove the title, which is sheet 9. Just uncheck and maybe increase its size like this. And this is how we can show a bubble chart on our dashboard. So main dashboard आप तभी create कर पाओगे if you know कि how to present the data on a dashboard, how to fit all the sheets in a dashboard. मैं आपको बताऊंगा कि 6 to 7-8 sheets कैसे fit कर सकते हो आप एक ही dashboard में. ठीक है, but that is the later discussion that we will do. So this is all about today. We discussed about different options that were there to create top n values. Then we discussed about various rank functions, various running functions, how to create bubble and cloud charts. Word cloud charts, and that's all today. Tomorrow we will discuss about if else conditions, hierarchies, and how we will create a dashboard as well. So any questions? No. Yeah. Sure. So let's meet tomorrow at same time. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bye. Thanks for that.